हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो हम यहाँ पे विजन आईएएस की करंट अफेयर ये पीटी 365 जो गवर्नमेंट स्कीम की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 10 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो मिनिस्ट्री रहेगी सेम और हम आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसी की नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नेक्स्ट स्कीम जो कि है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको समझने से पहले हम यहाँ पे अन अकेडमी के नए बैचेस के बारे में जानते हैं जो यूपीएससी की 2021-2 और 3 के एस्पिरेंट्स के लिए हैं। वैसे तो हर वेंसडे बैच स्टार्ट होता है, फिलहाल 1 सितंबर को हो रहा है। अगर आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज़ करते हैं तो आप डिस्काउंट तो पाएंगे ही और कई सारी पर्क्स इंजॉय कर पाएंगे। पहले से ही सारा कुछ यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि भाई कैसे क्या कराएंगे ये लोग। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ऑप्शन रेज योर हैंड। 360 डिग्री अप्रोच भी आपको मिलेगी और मेन्स और प्रीलिम्स दोनों ही की कंबाइंड प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करेगी इसे क्रैक करने में। कोर्सेज आइकॉनिक और प्लस इन सब ये पाई चार्ट के थ्रू आपको समझा दिया गया है, जैसे चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इसे परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस। इफ यू हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे आर प्रोवाइडिंग लोन आल्सो फॉर यूपीएससी एट 0% इंटरेस्ट रेट। यू कैन अवेल द डिस्काउंट बाय द कोड सिर्फ आईएएस। यू विल आल्सो गेट फ्री 20 बुक्स क्रिएटेड बाय बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट वॉच द रेट लिस्ट एंड परचेज वट एवर इज सुटेबल टू यू, प्लीज सब्सक्राइब बाई यूजिंग माई कोड सिर्फ आईएएस। सो स्कीम क्या थी? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ऑब्जेक्टिव क्या है समझते हैं। उद्देश्य ये है कि हम सोशल सिक्योरिटी देंगे ओल्ड एज बुढ़ापे में, और जो एडल्टली लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट अ फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। है ना भाई, होता क्या है कि मार्केट की कंडीशन तो कुछ पता नहीं, ऊपर होती है कभी नीचे होती है, तो बड़ा लॉस हो जाता है बुढ़ापे में लोगों को। तो इसलिए स्कीम उनका बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए लाई गई है। अब आप कहेंगे कौन एलिजिबल होगा मैम इसके लिए? देखिए, ओपन सिर्फ ये सीनियर सिटीजन्स को है, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने 60 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। तो आप कहेंगे बहुत अच्छा, तो मेरे लिए नहीं है। तो फीचर्स बता दीजिए। फीचर ये है कि एक गारंटीड पेंशन स्कीम है, ये इम्प्लीमेंट करी जा रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपनी प्यारी LIC के द्वारा। ये आपसे वादा करती है कि हम आपको पेंशन पेमेंट देंगे रेगुलर बेसिस पे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, और इन रिटर्न फॉर एन अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग परचेज प्राइस कहते हैं। इसने मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी रख दी है इन्वेस्टमेंट में, 1.56 लाख और 15 लाख रख दी है ना। मिनिमम है 1.56 लाख, मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख। स्कीम ये पेंशन पे आउट की गारंटी देती है 10 सालों के लिए विद अ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, और आखिरी में जब ये मैच्योर हो जाएगी तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। सब्सक्राइबर जो है वो पेंशन पाएंगे 1000 पर मंथ से लेके 12000 पर मंथ पे, बेस्ड डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्टमेंट, कितना कंट्रीब्यूशन इसमें कर रहे हो। जो सीलिंग है मैक्सिमम पेंशन की एक फैमिली के लिए, मतलब एज अ होल पूरी फैमिली के लिए देखें तो द फैमिली विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ पेंशनर हिज और हर स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स। ये समझ लीजिए ये है मैक्सिमम जो फैमिली की बात आती है। तो यहाँ पे फैमिली में कौन कौन आएगा? जो पेंशनर जिसकी स्कीम है उसका पति या पत्नी और जो लोग उस पर डिपेंडेंट है, आश्रित है उनके लिए। Should the investor die within 10 years, beneficiaries will get back principal. ठीक है, अगर मर जाता है मान लीजिए इन्वेस्टर, तो जो भी बेनिफिशरी हैं उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। द स्कीम enjoy नो टैक्स बेनिफिट, मतलब GST except for GST exemption on principal. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे इसी के फीचर की, वो ये कि प्री मैच्योर एग्जिट
अगर आप पहले से ही निकलना चाहते हैं स्कीम से मेच्योरिटी से पहले, तो 2% की पेनाल्टी लगेगी, मतलब 10 साल की मेच्योरिटी उससे पहले निकल आएंगे तो 2% की पेनाल्टी लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट पे, है ना, इन केस ऑफ क्रिटिकल या टर्मिनल इलनेस ऑफ सेल्फ और स्पाउस, ऐसा होता है तो। और उसके बाद लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स, लोन वगैरह भी मिल जाएगा इस पर। मैक्सिमम लोन जो आप इससे ले सकते हैं वो परचेज प्राइस जो है आपका उसकी 75% वैल्यू तक का ले सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या बदलाव हुए हैं इसमें ये समझते हैं। जो स्कीम है, स्कीम का रिटर्न जो है इसे अलाइन करा गया है टू दैट ऑन द पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के हिसाब से, जिसमें कैपिंग लगा दी गई है 7.7% की, ठीक है, और इसे हर बार रिसेट करके जैसा भी होता है फिर से, मतलब अभी फिलहाल 7.75 है, अब रिसेट किया जाएगा हर साल। तो स्टार्टिंग में क्या था कि इसमें अशोर्ड पेंशन थी, बेस थी गारंटी रेट ऑफ रिटर्न, इसमें ये था कि हम 8% का गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न देंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव लाया गया है। स्कीम जो है ये सेट है टू एक्सपायर इन मार्च 2020, हालांकि इट वॉज मॉडिफाइड एंड इसे मॉडिफाई करके पहले तो ये था कि स्कीम को ख़त्म कर देंगे 2020 मार्च तक, लेकिन जब से ये बदलाव लाए हैं तब से इसको बढ़ा के 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंड अप इंडिया का, बहुत टाइम से सुन रहे हैं हम इसको, ताकि लोन दिए जाएं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक होगी, टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर को, और 1 औरत होनी चाहिए उसमें से। शेड्यूल कास्ट मतलब एक, मतलब SC ST बोरोवर हो, SC बोरोवर हो, ST हो, और 1 वुमेन बोरोवर भी होगी पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज इन एग्री अलाइड एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज या ट्रेडिंग सेक्टर में, ठीक है। तो ये इसलिए ये लोन दिए जाएंगे, ये आप आराम से करिए। अब बात आई एलिजिबिलिटी की, तो कौन एलिजिबल होगा, देखिए SC ST या फिर विमेन, ये तीनों जो एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर एलिजिबल होंगे। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइज, है ना, कोई बंदा नहीं है ऐसा, नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस हैं उसमें एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो या तो SC के हों या ST के हों या विमेन एंटरप्रेन्योर के होने चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिए, इन मैंने ये जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं इसको समझ लीजिए ना, आपको नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट होता है दैट लैक कंस्ट्रेंट इम्पोज बाय प्रायर वर्क ऑन द साइट, मतलब टिपिकली व्हाट अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इंटेल्स इज डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑन अ कम्प्लीटली वैकेंट साइट, एकदम खाली जगह पे कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब जो भी शुरुआत हो रही है वो एकदम बेसिस से हो रही है, जो भी शुरुआत नहीं करेंगे तो वो हुए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब जैसे समझ गए ना कि नया फैक्ट्री लगी तो एकदम जमीन थी वहाँ फैक्ट्री लगाई, नया पावर प्लांट लगाया, खरीदा वरीदा नहीं है ना, नया लगाया। तो हमने बता दिया कि SC ST या औरत जो है ले सकते हैं इसको 18 साल या उसके अबव। अब या मान लीजिए कोई कंपनी टाइप की जहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है तो इसमें कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, है ना, स्टेक की, जो SC ST या औरत एंटरप्रेन्योर के हाथ में हो। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, फिर बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम वेंचर जो होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है। बोरोवर जो है वो डिफॉल्टर ना हो किसी दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कि पैसा लेके भाग जाए। बोरोवर को ये है कि अपने मिनिमम 10% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट का है वो अपने आप से लगाएगा, सारा पैसा नहीं दे देगी यहाँ पे बैंक, समझे, कुछ पैसा खर्चा भी करना पड़ेगा। फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स में पहला फीचर ये है कि गवर्नमेंट डज नॉट एलोकेट फंड फॉर लोन्स अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, यहाँ समझ लो। दूसरा ये है कि लोन जो स्कीम के अंदर हैं इन्हें एक्सटेंड करा जाएगा बाय ऑल द ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज पर कमर्शियल पैरामीटर, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पेक्टिव बैंक्स एंड एक्सटेंड RBI, जो भी आपकी RBI गाइडलाइंस उस हिसाब से हर जगह पे ये स्कीम जो है वो चलाई जाएगी। 500 करोड़ रुपये का जो है एक अमाउंट जो है वो रिलीज करा गया सरकार के द्वारा 16-17 में किया गया था, और 17-18 में जो है वो दिया गया,
और करीब 100 करोड़ रुपए जो है वो 2021 में भी दिए गए हैं इसी क्रेडिट गारंटी फर्म फॉर स्टैंड अप इंडिया के लिए। अब जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं ताकि इस स्कीम का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, तो पहला ये कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकती है ना, आराम से जो है पोटेंशियल बावर्स सॉरी बोरोवर्स जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं www.standupmitra.in पोर्टल के ऊपर जाके। दूसरा, सरकार ने कहा है कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना वाला। तीसरे नंबर पे पब्लिक कैंपेन बढ़िया है चलाया जाएगा। लोन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है बड़ा ही आसान है। क्रेडिट गारंटी स्कीम चलेगी और यहाँ पे स्टेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो सबके साथ जो है ये कन्वर्जेंस रहेगा, जहाँ पे भी आसान पड़ेगा और मार्जिन मनी में भी रिडक्शन होगा। इसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ जो आपकी एग्रीकल्चर के लिए हैं है ना, उसको वगैरह वगैरह चीज़ें जो है ये सारी की सारी इसमें कवर होंगी। अब लोन जो है उसे आपको 7 सालों के अंदर लौटाना है। मैक्सिमम जो मोरेटोरियन पीरियड मैंने बताया, मोरेटोरियन पीरियड क्या होता है ना कि उतने टाइम तक आपसे पैसा नहीं लेंगे, ये उसके बाद लेना शुरू करेंगे रीपेमेंट, तो मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड 18 महीनों का होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे कम हो सकता है जो बैंक की कैटेगरी में है ना वो होगा, और नॉट टू एक्सीड बैंक बेस रेट, मतलब जो इनका जो MCLR होता है ना, +3% प्लस टेन्योर प्रीमियर प्रीमियम, उसका मिलाने के बाद, मतलब ये तीनों चीज़ मिलाने के बाद जो आपका बैंक रेट निकल के आएगा ना उतना, सॉरी इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा ना उतना ही ले सकते हैं। उससे नहीं आता है कह दिया 50% पे दे रहे पैसा, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ लोन जो है वो सपोर्ट मतलब सिक्योर्ड किया जा सकता है, इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी लग सकती है, मतलब कुछ गिरवी रखिए या गारंटी दीजिए किसी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स का, जैसे अभी लोन बैंक डिसाइड करे वो, मतलब सिक्योरिटी फ्री नहीं है ये। उसके साथ ऑफिसर्स जो आपके सिडबी के हैं और नाबार्ड के हैं इनको डेजिग्नेट करा जाएगा एज स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स में, जो पूरा कुछ अरेंज करेंगे है ना, क्या जो भी चीज़ की ज़रूरत है सपोर्ट की ज़रूरत है वो देंगे। और सिडबी जो है अपनी ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी रहेगी यहाँ पे। इसके साथ ये प्रोवाइड करेगा फॉर क्रिएशन ऑफ अ क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म, कैसे, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से। अब बात आती है कि मैम ये सब तो हमको पहले से पता था, कुछ बोलेंगे, अब बताइए अभी क्यों न्यूज़ में है। अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसमें रिसेंट कुछ चेंजेस करे गए हैं। ऐसी स्कीम जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 2025 तक। जो मार्जिन मनी है जिसकी ज़रूरत है अगर आपको लोन ले जो है, द मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर लोन्स है ना, जो मार्जिन मनी होगा जो लोन के लिए ज़रूरत होगी इसके अंदर, वो कम कर दिया गया है अप टू 25% कर दिया गया है। नहीं सॉरी, ये 25% पहले था, हाँ 25% पहले था, इसे कम करके अप टू 15% कर दिया गया, 15% कर दिया गया। और बहुत सारी जैसे एक्टिविटीज़ जो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, ये सब भी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं, तो कुछ फायदे दिए गए हैं स्कीम के तहत। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं हम, फाइनेंशियल सपोर्ट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब ये क्या है समझते हैं, देखिए मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले जानिए कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये जो VGF है ये क्या होता है। इसका मतलब होता है अ ग्रांट वन टाइम, एक बार जो ग्रांट दी जाती है और डिफर्ड प्रोवाइडेड टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये दी जाती है एक साथ दे दी गई या देते रहे ऐसी ग्रांट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को दी जाती है जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है। बट भाई देखो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है ना, लेकिन पैसा नहीं है काम करने के लिए, तो उनको दी जाती है। और फाइनेंशियल की कमी होने की वजह से यूजुअली कब होता है ऐसा कि जब पैसा नहीं होता, जब लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, जैसे हम प्रोजेक्ट लेकर आए बहुत बढ़िया, अब वो हुआ क्या कि वो 5-10 साल का प्रोजेक्ट है, तब तक के लिए हमारे पैसा फंसाने के लिए नहीं है, है ना, तो इसलिए जो है ये स्कीम आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे एक्सटर्नलिटीज दैट आर नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड इन डायरेक्ट फाइनेंशियल रिटर्न टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। अब इसमें क्या है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट है ना जिसमें ऐसे भी चीज़ें हैं है ना जो आप नहीं फाइनेंस करा सकते चीज़ों को, तो उन सबको मदद यहाँ पे करेगा।
अब ये जो आपकी जो ग्रांट है, अब इसको कैटलिटिक ग्रांट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो पैसा आएगा तो सब कुछ चलने लगा ना अपने आप बढ़िया तरीके से। तो इस जो प्रोविजन है कैटलिटिक ग्रांट असिस्टेंस की, कैपिटल कॉस्ट की, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐसा हो सकता है कि ये बैंकेबल हो जाए, है ना, इससे अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में और बढ़ाएं। तो इसलिए मोटा मोटा आप समझ लीजिए क्या है कि भाई प्रोजेक्ट वगैरह को पैसे वगैरह देना जिनके पास पैसे की है कमी। अब आई बात फीचर्स की। देखिए स्टार्टिंग में तो स्कीम के अंदर ये था कि फाइनेंशियल सपोर्ट हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अभी इसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। बदलाव ये है कि भाई नवंबर 2021 में स्कीम को यहाँ पे 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है, और टोटल आउटले इसमें 8,100 करोड़ का, 8,100 करोड़ का कर दिया गया है। स्कीम जो है इसे और जो है ऊपर उठाया गया है, और इसमें अब और दो सब स्कीम को डाल दिया गया है फॉर मेन स्ट्रीमिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो कौन सी सब स्कीम है जो इसके अंदर और डाली गई है? पहली स्कीम है सब स्कीम 1, केटर्स टू सोशल सेक्टर सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वाटर सप्लाई हो गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह हो गई, है ना, जो प्रोजेक्ट इस कैटेगरी के अंदर आएंगे उनके पास 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होगी। अब देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम 30% देगी, जो टोटल की प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना अलग अलग प्रोजेक्ट में, तो वो मैक्सिमम 30% देगी इस वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पे। और स्टेट या स्पॉन्सरिंग जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है या आपका स्टैट्यूटरी एंटिटी है, ये हो सकता है कि एडिशनल सपोर्ट 30% का और दे दे, जो टीपीसी का, ठीक है, मतलब टीपीसी मतलब टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। तो समझो कि प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है, पैसे आपके पास कम पड़ रहे हैं, तो जो भी आपकी पूरी कॉस्ट आ रही है टोटल प्रोजेक्ट की, उसका 30% देगी वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी थोड़ा और 30% दिया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट या जो भी मिनिस्ट्री वगैरह स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये सब स्कीम 1 है। और सब स्कीम 2 जो है वो स्कीम सपोर्ट करेगी पायलट सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट को या डिमोन्स्ट्रेशन सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट को, मतलब जो प्रोजेक्ट है ये हेल्थ या एजुकेशन सेक्टर से भी हो सकते हैं, जहाँ कम से कम 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी के हों, देर इज एटलीस्ट, मतलब कम से कम 50% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होनी चाहिए। और ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ होंगी वो और प्रोवाइड करेंगी 80% कैपिटल एक्सपेंडिचर का और 50% ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट का फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, स्टार्टिंग के 5 सालों तक। सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 40% देगी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रोजेक्ट की, उसके साथ मैक्सिमम 25% ऑपरेशनल कॉस्ट का प्रोजेक्ट की देगी पहले 5 सालों तक, जो कि कमर्शियल ऑपरेशन के होंगे। ऐसा नहीं लगता जैसे न्यूज़ पढ़ा रही हूँ मैं कोई, है ना, लेकिन ये ऐसे ही पढ़ना चाहिए। बहुत टाइम इसमें अब नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बचा नहीं है ज़्यादा। उसके नेक्स्ट जो है वो है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। ये क्या है? पहली चीज़ तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको 2019 में अनाउंस किया गया था, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा गया था कि आप हाई रेटेड पूल असेट, फाइनेंशियली साउंड जो एनबीएफसीज हैं वहाँ से परचेज करिए, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहाँ से परचेज करिए। ये भी आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव था ना, इसके तहत ये आ रही थी। स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई अब आप प्राइमरी मार्केट इंश्योरेंस जो बॉन्ड वगैरह की करती है ना, जो इशू करती हैं बॉन्ड एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, है ना, तो उन तक के लिए भी इसको इनिशिएट कर दिया गया विद लो क्रेडिट रेटिंग्स, है ना, जैसे जिनकी जिन कंपनीज वगैरह की क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एनबीएफसी की, एचएफसीज की या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, तो स्कीम यहाँ पे भी एक्सटेंड कर दी गई कि आप ये प्राइमरी मार्केट इसको भी कवर करिए। अब उद्देश्य क्या है, क्यों सब कुछ कवर करा रहे हैं? आइडिया ये था कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनकी लो क्रेडिट रेटिंग है ना, बेचारे जूझ रहे हैं बंद हो जाएंगे, इनको पैसा मिल सके ताकि भाई ये अपना काम कर सकें, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि COVID-19 में बहुत सारे लोग हिट करे हैं। अब इसके अंदर PGS 2.0 है ना, इसके अंदर सेंटर यहाँ पे 20% फर्स्ट लॉस प्रोविजन गारंटी देगी PSBs को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। इससे क्या होगा कि करीब 45,000 करोड़ रुपीज सुबह जो है वो सिस्टम में आ जाएगा, इतना पैसा। स्कीम जो है ये द स्कीम कवर्ड पेपर्स विद रेटिंग ऑफ AA,
एंड बिलो रेटिंग्स वगैरह होती है ना, और ये स्कीम जो है जिनकी रेटिंग ए ए है या उससे कम है, जैसे अनरेटेड पेपर्स वगैरह भी हैं, तो इन सबको कवर करेगी। उद्देश्य ये है कि भाई हम फ्रेश पैसा दें, है ना, सपोर्ट करें नॉन बैंक लेंडर्स को, एनबीएफसी वगैरह को। अच्छा आपको एक चीज़ बता दूँ कि प्रॉब्लम पता है कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जैसे मानो कि आपके ऊपर कर्जा आ गया 5 लाख रुपए का, ठीक है। अब आपने बाहर से लोन लिया और आपको लोन मिल रहा है कहीं से 50,000 का, कहीं से 1 लाख का, कहीं से 2 लाख का, कहीं से 2.5 लाख का, ठीक है। आपने 50,000 वाले 3 लोन ले लिए, मतलब 1.5 लाख रुपए हो गए। आपको कहीं और से अब लोन नहीं मिल रहा, 1.5 लाख रुपए आपने इस कर्जे को तो अलग की बात है लौटाने में, आपके बाकी एक्सपेंसेस में लग गए। तो होता क्या है, इंसान और कर्जे में डूबता जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या कर सकते थे कि भाई 5 लाख रुपए का अगर मान लो कर्जा है, अगर उस इंसान को 7 लाख रुपए कहीं से मिल जाए तो वो कर्जा भी निपटा देगा और अगले 2 लाख रुपए से वो आगे का काम भी कर लेगा, पैसे भी कमा लेगा। तो मेन जो होती है ना दिक्कत, वो तभी आती है जब ये चक्का नहीं घूमता है सही से। खैर ये तो हो गया ज्ञान, बस आप इस पार्ट को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज अनलॉक माई फ्री कंटेंट बाई यूजिंग द कोड सिर्फ IAS on Academy and follow me there. Thank you.